जो तस्वीरें मैंने देखी तो मुझे एक्चुअली अच्छा लगा कि जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे बेहतर तरीके से काम हो रहा है। और वो बदलाव जो है मुझे लगता है वो कामकाज पे भी इम्पैक्ट करता है। जो हमारा एनवायरनमेंट है, वातावरण है, जिस माहौल में हम लोग काम करते हैं वो हमारे दिमाग को भी इम्पैक्ट करता है। हम लोग सब स्ट्रेस में भी रहते हैं और आसपास फाइल बिखरी हुई है, टॉयलेट टूटा हुआ है, पानी की मशीन नहीं चल रही, बिजली का पंखा लटका हुआ है, वो सब चीजें कहीं ना कहीं जो है आपकी कार्य क्षमता को कम करती है। और कैजुअल एटीट्यूड भी आता है, जो फॉर्मल एटमोस्फियर, फॉर्मल कपड़े तैयार होके यूनिफॉर्म पहन के घर से निकलना, जूते बाद पहनना, जुराबे पहनना, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं सीधा कनेक्शन दिमाग के साथ है कि आप जब फॉर्मली तैयार होते तो आपको पता है कि आप काम के मोड में हैं। दैट मोड इज नॉट जस्ट सिट बैक एट द चेयर एंड रिलैक्स एंड डू नथिंग, बट द मोड इज दैट जस्ट बी वेरी वेरी फॉर्म विद व्हाट यू आर डूइंग, बी हाइपर कॉशियस अबाउट योर एक्टिविटी, अटेंशन मोड बेसिकली। तो आसपास का वातावरण इस प्रकार से दिमाग पे जो है असर करता है। तो जो साफ सफाई, सबके बहुत अच्छे कमरे लगे मेरे को, कई छुटपुट सजेशन, पौधा इधर में उधर या कम ज्यादा जो भी, तो अंदर से मन खुश हुआ कि एक जो किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाकर एक पहला इम्प्रेशन होता है कि अरे बाबा अब ये सरकार ऐसे ही चलेगी, लेकिन अब वो नहीं लगता, अभी बोला हाँ सरकार ऐसे ही चलेगी। द डिफरेंस इज वेरी विजिबल एंड दैट विजिबल डिफरेंस आई थिंक इज इम्पैक्टिंग द वर्क स्टाइल ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच मिस्टर सेक्रेटरी फॉर ब्रिंगिंग दैट चेंज, एंड आई थिंक वी ऑल मस्ट रिमेम्बर आवर प्राइम मिनिस्टर because the kind of effort he's put into making governance responsible and attentive to the system and accountable to people. अभी हम तो जनता वाले लोग हैं ना, तो लगता है कहीं ना कहीं कि भाई आप जनता वाला आदमी जाता है दफ्तर, कोई देखा, कोई साहब बैठे हैं, अभी मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, वक्त लगेगा, खड़े हो जाओ, टूटी हुई दीवार है, टूटी हुई खिड़की है, all those things give a very very bad impression about the government and government style of functioning. The more responsive we are ki haan bataiye kya kaam hai, aapke kagaz mil gaye, tracking system in order hai, we will also inform you that if you have given us a grievance, especially because you are a public office in that sense that everybody who's having any problem with the government writes to you and you are supposed to answer them back. So that means you are actually a front office of a government. And front office of a government needs to be smart, smartly dressed, smartly conversing with people and smartly impacting their lives, because our stability, accountability gets impacted. I purposely visited the toilets. We're very happy, they're very, very nicely done toilets and neatly kept also. But I had a suggestion to make. I said, abhi jo public toilets mein, officers wagaira theek hai, but public toilets ke andar aapko kuch लोगों की आदतें बदलने का जो इम्पैक्टिंग द माइंड ऑफ द पीपल है, कुछ दो चार पांच पोस्टर लगाइए जो वो फ्लश किए बिना चले जाते हैं, बाहर गिरा देते हैं, ऑल दोस थिंग्स। सो आई मीन दोस आर एज मच पार्ट ऑफ स्वच्छता। आई हैव वन मोर सजेशन बिकॉज आई डिडंट सी इट, सो आई थॉट आई लेट यू नो, विमेन टॉयलेट्स मस्ट हैव बैग डिस्पेंसर एंड ऑल्सो एन इंसिनरेटिंग मशीन। बट इन पैड डिस्पेंसर मेरे को एक बात ज़रूर कहनी है कि जो ये स्टेफरी और इस तरीके के जो, मतलब नाम मैंने ले दिया, नाम लेना नहीं चाहिए, पर जितने के पैड्स आ रहे हैं ये सब पैड्स प्लास्टिक पॉलीमर के बने हुए हैं। और आप सब तो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, लेकिन मुझे लगता है कि किसी ने इस पर काम नहीं किया। आपके माध्यम से एक संदेश मैं देना चाहती हूँ कि प्लास्टिक डिस्पेंसर के जो प्लास्टिक पैड्स का डिस्पेंसर भी लगेगा तो उतना प्लास्टिक का पोल्यूशन बढ़ा रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जाएगा लैंडफिल के अंदर और लैंडफिल से प्लास्टिक को जाने की कोई जगह नहीं है सिवाय हमारी वाटर बॉडीज, सो एंड्स अप इन द सी एक्चुअली। तो वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो फाइनली सी के अंदर ही जाते हैं और हमारी वाटर बॉडीज खराब हो रही है प्लास्टिक, छोटे प्लास्टिक को लेकर। और जितने पैड्स हैं वो सिंगल यूज हैं, तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि हमें ऑर्गेनिक पैड यूज़ करने की आदत और
जो नॉर्मल कॉटन का कपड़ा या कॉटन एज अ होल यूज हो उसमें कोई बुराई नहीं है, बट लोग जो है एक मतलब मुझे लगता है एक मुहिम है जिसमें इन बातों को डिस्कस ही नहीं किया जा रहा, बल्कि अरे भाई आप पैड यूज करना शुरू कर दिया तो तुमने पता नहीं कितना अच्छा काम किया, बट ऐसा नहीं है। पैड के पीछे भी साइंस है और अगर साफ कपड़ा है तो उसमें भी बुराई नहीं है, बट इंसिनरेटर में जो जल कर राख हो जाए और एटमोसफियर को पल्यूट ना करे, ऐसे मटीरियल्स या रीयूजेबल वी कैन वर्क ऑन इट, बट आई डेफिनेटली हैव the commercial aspect in mind ki there is a commercial aspect also, but Indian traditional system jo banana fibers se bane hue pads hai, cotton cloth and other natural fibers aur reusable bhi hai, kai reusable bhi hai, us tarike ka aap ek shuru kare na ek experiment basis pe, let's see how and get a report and a feedback mechanism. I tried to do it in NDMC, so I did put in the girls' hostel, working women hostel and all. I did try it. So I think the response was positive and I thought I'd make a suggestion. जब प्लास्टिक का भी जब यूज करें तो एक बार ये भी ध्यान में रखें कि मैं प्लास्टिक का पोल्यूशन ऐड कर रही हूँ. So we all have to think about that also. And let's be conscious, because स्वच्छता की बात है तो स्वच्छता में environmental pollution को हम ऐड नहीं कर सकते. So while we clean up, make our office, we can span, make our clothes nice and look nice outside, but inside we are adding pollution. So I think we need to have some working methodology there also.